अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोनियाज ऑनलाइन। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं, जो कि है कंटेंट के हवाले से। आपको क्या ऐसी चीजें या टॉपिक चूज नहीं करने हैं, या कंटेंट में क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिनकी वजह से या तो आपके चैनल में एरर आ सकता है, या आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है, या आपका चैनल डिलीट हो सकता है, या आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, या फिर आपके पास इनवैलिड क्लिक्स आ सकते हैं। ये तमाम की तमाम गलतियां आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये एक क्लास लेने के बाद कभी भी जिंदगी भर आप एक चैनल बनाओ या 100 चैनल बनाओ, आपको कभी भी एरर ना आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सोनिया, आप देख रहे हैं सोनिया ऑनलाइन, और मैं आप यूट्यूब क्रिएटर .7 की तरफ से फ्री कोर्स करवा रही हूँ, जिसकी मार्केट में आज 20,000 से लेके 50,000 तक की डिमांड है, जो कि लोग पे करके ये कोर्स करते हैं। वही कोर्स मैं आपको फ्री में करवा रही हूँ, तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूट्यूब की पॉलिसीज, और पॉलिसीज में जो सबसे ज्यादा कॉमन इश्यू यूट्यूबर्स को आता है वो है कॉपीराइट। अब क्या ऐसी चीज करें जिससे आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए? इसका सबसे आसान सोल्यूशन हल जो है वो मैं ये बता दूं, जो कि मैंने खुद भी निकाला है और मैं खुद भी यूज करती हूँ। देखो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% वीडियो आपकी हो। आपने छोटी मोटी चीजें कहीं ना कहीं से उठाई ही होंगी, कभी कॉपीराइट फ्री तो कभी कॉपीराइट वाली। तो उसके लिए ना आप एक छोटा सा डिस्क्लेमर लिख सकते हो। डिस्क्लेमर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, और अगर आप चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकती हूँ यही वाला डिस्क्लेमर। इंशाल्लाह जब हम डिस्क्रिप्शन लिखना सीखेंगे ना, तो उस टाइम पे भी मैं आपको डिस्क्लेमर लिखना सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर दे रही हूँ। इसको अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, तो आप 7 सेकंड्स के लिए किसी और इंसान की कोई चीज यूज कर भी लेते हो, ये 7 सेकंड से ज्यादा, और वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। तो यूट्यूब ने आपको जो है ये छूट दे रखी है कि आप थोड़ा बहुत सामने वाले का यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रहे वीडियो के अंदर और ऑडियो के अंदर और थंबनेल के अंदर 70% चीजें आपकी होनी चाहिए। 30% अगर सामने वाले की हो भी जाती है तो उसमें कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। अब हम पहले बात करते हैं लॉन्ग वीडियो की, और बाद में बात करते हैं शॉर्ट वीडियो की। देखिए, ये वीडियो मैंने ऐसी बनानी है कि आने वाले 10 साल तक आपको कोई कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक वगैरह एरर ना आए आपको कोई भी यूट्यूब की पॉलिसीज के हवाले से। तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इसको अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, अब ये तो होगी छोटी वाली मिस्टेक जो हम सबसे हो जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे की वीडियोज उठा के वो जो है अपने चैनल पर लगा देते हैं। दो तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, वो लगा लेते हैं किसी और की वीडियो, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, वॉच टाइम भी हो जाता है। जब मोनेटाइजेशन के लिए वो भेजते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। सेकंड तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ये होते हैं कि दूसरे की वीडियो उठा के लगाते हैं, कहते हैं हम इसे सब्सक्राइबर्स बनाएंगे, और उसके बाद ये वीडियोस डिलीट करके अपना कंटेंट डाल देंगे। वो लोग भी गलत करते हैं। देखिए, जब आपका कंटेंट है ना, उसकी मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, जो कि हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो अपने कंटेंट के ऊपर जब आप सब्सक्राइबर गेन करते हो ना, वो सब्सक्राइबर्स भी रहते हैं और व्यूज भी देते हैं। एक बंदा जो कि फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने आया है, हॉरर, ठीक है, हॉरर मूवी देखने आया है, आप उसको कोई सैड मूवी दिखा दो, तो क्या वो सिनेमा में बैठेगा? नहीं, वो नहीं बैठेगा, वो 10-15 मिनट बाद उठ के चला जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा आपके चैनल पर किसी दूसरे कंटेंट के लिए आया और आप उसको कुछ और दिखा रहे हो, अच्छा तो क्या वो आपके चैनल पर रहेगा? नहीं, वो आपके चैनल पर नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो व्हाट्सएप पे स्टेटस आते थे या व्हाट्सएप पे उनके पास आर्टिकल्स आते थे लोगों के कपड़ों के, वो उठा के उनकी एडिटिंग करके उनको अपने चैनल पर लगा देती थी। तो मुझे उनको थोड़ा समझाने में थोड़ा सा ज्यादा अरसा लग गया कि अगर कोई इंसान है, वो अगर आपको कपड़ों की भी तस्वीर भेजता है तो उसको एडिट करके आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके कॉपीराइट ओनर वो खुद होते हैं, वो कपड़े वाला ब्रांड होता है, ना कि आप लोग होते हो। इसीलिए आप उनकी वीडियोस भी नहीं लगा सकते। आपको अपनी एक प्रॉपर कंटेंट चूज करके अपनी वीडियोस ही लगानी पड़ेंगी, तभी आप फेमस होंगे, तभी आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स जाएंगे, और तभी आप यूट्यूब पर अर्निंग कर पाओगे। कॉपीराइट स्ट्राइक की तरफ आते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, कैसे भेजी जाती है? अच्छा, ये कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते कैसे है, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे भेजते हैं, ये आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा कि किस तरह से भेजी जाती है अगर किसी और शख्स ने आपकी वीडियो यूज की है। तो देखिए, अगर मेरे घर पे कोई चीज पड़ी हुई है, अगर मैंने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी का कपड़ा रखा है, गाड़ी मैंने धोनी है, गाड़ी का कपड़ा मैंने घर के सामने रख दिया, अब आप मुझे देख रहे हो कि मैं गाड़ी धो रही हूँ और गाड़ी का कपड़ा मेरे घर के सामने है, तो आप क्या करोगे, कपड़ा ले उठा के भाग जाओगे? और जब अगर मैंने आपको पकड़ लिया तो मुझे क्या बोलोगे कि भाई ये तो कपड़ा सामने पड़ा हुआ था, तो हमें लगा ये उठा लेना चाहिए, तो हमने उठा लिया। तो आप देख रहे हो कि सामने वाला बेवकूफी कर रहा है, वो
सामने वाले की चोरी कर रहा है, तो ये भी डिजिटल चोरी में आ जाता है। सामने वाले को पूरा पूरा हक है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सके, क्योंकि आपने उसकी चीज यूज की है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आपको आती है 50% या 70% सामने वाले की वीडियो यूज करने पे। अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है और 7 मिनट आपके हैं और 3 मिनट आपने सामने वाले की वीडियो यूज कर दी है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। नेक्स्ट चीज पे हम जो बात करते हैं वो है वॉयलेशन। वॉयलेशन क्या है? वॉयलेशन की सिंपल सी मैं आपको डिटेल दे देती हूँ कि आप कहीं पर भी वॉर हो रही है, कहीं पर भी कोई गलत बात हो रही है या कोई गलत किस्म की वीडियो चल रही है, आप उठा के अपने चैनल पर लगाना शुरू कर दो। खुदा ना खास्ता किसी की वीडियो लीक हो गई है तो आप उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो आप उसको बढ़ावा देना शुरू कर दो कि हाँ इसने अच्छा किया है कि कत्ल कर दिया है, या इवन कि किसी के करेक्टर के ऊपर गलत बोलना, ये सारी चीजें वॉयलेशन में आती है। वॉयलेशन की लिस्ट बहुत लंबी है जो कि हम आगे चल के जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। और इवन के आप जिन चीजों को सोचते हो ना कि नहीं ये वॉयलेशन नहीं है, वो भी वॉयलेशन है। वो अलग बात है कि हमारा माशरा इस चीज का आदी हो चुका है, लेकिन वो भी वॉयलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है कि यूट्यूब ने अगर गाली गलौज देने से मना किया हुआ है, आप फिर भी कंटिन्यूअसली गाली गलौज दे रहे हो। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सिर्फ 3 दफा ही आ सकती है। अगर यूट्यूब आपको वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है और आप फिर भी रुक नहीं रहे हो, तो यूट्यूब आपको पहली वार्निंग भेजेगा, फिर दूसरी वार्निंग भेजेगा और तीसरी वार्निंग तक आपका चैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा कभी मोनिटाइज नहीं होगा। और ये पहली दूसरी स्ट्राइक्स भी होती है, इनमें आपको वो टाइम देता है कि हम इतने टाइम के लिए आपका चैनल टर्मिनेटेड कर रहे हैं, अब आप अपनी गलती सुधारो, उसके बाद हम आपका चैनल जो है वो आपको प्रॉपर ठीक करके देंगे। अदरवाइज उतनी देर तक आपका चैनल जो है वो टर्मिनेटेड रहता है, यानी ना आप उसके ऊपर वीडियो डाल सकते हो ना ही उससे अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी एक और कैटेगरी आती है कि जिसमें आपका चैनल ही डिलीट हो जाता है। चैनल डिलीट हमेशा किसी ना किसी बड़े रीजन की वजह से होता है, और छोटे या एवरेज चैनल ही डिलीट किए जाते हैं, कभी भी बड़े चैनल डिलीट नहीं होते हैं। अगेन यही होता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब आपको बार बार भेज रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बार बार वैसी ही वीडियोस बना रहे हो। कोई प्रैंक की वीडियो बना ली, कोई एनिमल अब्यूज की वीडियो बना दी, तो बार बार आप गलत कंटेंट की वीडियो बना रहे हो। क्योंकि देखो यूट्यूब पर सिर्फ 22, 23, 24, 25 साल के लोग नहीं है, यूट्यूब पर 4-5 साल के बच्चे भी हैं। तो जब वो आपकी वीडियो देखते हैं और उनसे गलत चीजें सीखते हैं ना, तो वो गलत चीज हो जाती है, इसीलिए यूट्यूब परमानेंटली वो चैनल डिलीट भी कर देता है। अब हम आते हैं पॉलिसी की वॉयलेशन के बारे में। पॉलिसी की वॉयलेशन में ये भी है कि आपने अपना टाइटल, थंबनेल या अपनी वीडियो के अंदर क्लिक बेट किया हो या मिसलीडिंग की हो। फॉर एग्जाम्पल टाइटल के अंदर या थंबनेल के अंदर मैंने लिख दिया कि मैं आज ताहा इब्ने जलाल से मिली, हालांकि वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो के अंदर ताहा इब्ने जलाल का कोई जिक्र ही नहीं है। या मैं लिख दूं कि मैं डॉक्टर जाकिर नेक से मिली, या मैं लिख दूं कि डॉक्टर जाकिर नेक ने शाहरुख खान के बारे में कुछ कहा, तो उन्होंने वीडियो के अंदर ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो ये हो जाता है क्लिक बेट। इससे भी आपका चैनल हो जाता है डिलीट। इससे आपको व्यूज तो ऑब्वियसली ज्यादा मिल जाते हैं और ऐसी वीडियोज भी हमें बड़ी शो होती है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये चीज आपके लिए हो जाती है बहुत ज्यादा डेंजरस। अच्छा, अब एक और चीज है, आप यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीजें बेच नहीं सकते, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई जिंदा चीज नहीं बेच सकते, जैसे कि जानवर हो गए, आप वहां पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं बेच सकते, आप वहां पर कोई इलीगल चीज नहीं बेच सकते, कोई ड्रग नहीं बेच सकते, अल्कोहल नहीं बेच सकते, आप कोई भी ऐसी चीज का जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन हाँ, आप ये कि उसका दराज का लिंक या किसी और चीज का लिंक दे सकते हो। अब ये ना हो कि आप दराज पे बैठ के चरस बेच रहे हो, लेकिन आपने अगर कोई छोटी मोटी चीज बेचनी है, जैसे कि पैरेट्स बेचने हैं या बिल्ली वगैरह बेचनी है, तो उसका दराज पे एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक दे सकते हो। लेकिन ये नहीं कि वीडियो के अंदर बिल्ली शो करवाओ, ये बिल्ली आपको 1500 रुपए की मिल जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं ये बेचने वगैरह के लिहाज से मुझे याद आया कि सब्सक्राइबर्स जो है वो आपको कभी खरीदने नहीं चाहिए। जब भी आप सब्सक्राइबर बेचते हो, आप अपना मेहनत और अपना टाइम जाया करते हो, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि बोट्स होते हैं। और अगर रियल इंसान भी होंगे, मुझे कितना ही आप कह रहे हो ना मैं WWE की वीडियोस नहीं देखने वाली क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप मुझे कितना ही रोक लो, मैं टेक की वीडियो से, कॉमेडी की वीडियो से नहीं रुकने वाली क्योंकि वो मेरा शौक है। इसके अलावा वॉच टाइम के लिहाज से ना आप ये कर सकते हो कि अगर आपके 1000-2000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो बाकी का 2000 आप खरीद लो। आपके सब्सक्राइबर्स अगर 1800, 2000,
4,000 10,000 तक पहुंच गया और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उस सूरत में डेफिनेटली मैं कहूंगी आपको वॉच टाइम परचेज कर लेना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में आपको आपका एक सब्सक्राइबर भी परचेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम और डॉलर्स को लेके कुछ लोग एक और वॉयलेशन करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल डिलीट या परमानेंट टर्मिनेटेड हो जाता है बिना किसी वार्निंग के। वो है कि वो या तो फेसबुक पर जाके, इंस्टाग्राम पर जाके ऐसे टास्क करते हैं या व्हाट्सएप पे जाके, कि जिसमें वो सामने वाले की वीडियो देखते हैं, सामने वाला उनकी वीडियोस देखता है। अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा, यानी कि आपको सामने वाले की आप देखते हो और सामने वाला आपकी वीडियो देखते हैं, इसमें आपको लग जाते हैं 2 माह से 3 माह, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा आप 5,000 6,000 दे दो और अपना 4,000 घंटे इजीली जो है वो कंप्लीट करवा दो। ये आई थिंक बेहतर है इससे कि आप ऑर्गेनिक को छोड़ के अगर ये करना ही चाहो तो ऐसा कर लो, बजाय इसके कि अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करो। इसके अलावा कुछ और लोग ये भी करते हैं कि वो 10,000 20,000 डॉलर एक चैनल से निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों का आईपी एड्रेस यानी कि उनका जो वाईफाई का एड्रेस होता है वो भी वॉयलेटेड कर दिया जाता है, और जब वो फिर ऑर्गेनिक चीजें करना चाह रहे होते हैं तो वो चीजें भी वॉयलेशन की नजर से ही यूट्यूब देखता है। तो ये चीजें भी करना बेहतर नहीं है। देखो अगर आप वैसे ही 2-3 साल मेहनत कर लेते हो यूट्यूब पर तो आप 10-20 हज़ार डॉलर कमाने के काबिल हो जाते हो, अगर ईमानदारी से अच्छी मेहनत कर रहे हो। ये नहीं कि एक महीना तो 10 वीडियोस बना दी और दूसरा महीना पूरा सो के गुजार दिया, इस तरह से नहीं, कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना। फिर एक और वॉयलेशन होती है यूट्यूब की, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती है ना उनके आइडेंटिटी उठा के लोग अपने चैनल पर लगा देते हैं, उनकी वीडियोस लगा दी, उनकी डीपीस लगा दी, तो ये चीज यूट्यूब पे वॉयलेशन में आती है कि आप किसी की आइडेंटिटी चुरा लो। इसके अलावा बड़े बड़े चैनल्स के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए आते हैं, उनका नाम लिखा हुआ आता है, और फिर वो सामने वालों से 10,000 20,000 जो है ना मंगवा लेते हैं ये कह के कि हम वो पर्सनैलिटी है। तो ये चीज को भी यूट्यूब वॉयलेशन में मानता है, और इससे भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है और वो रिलेटेड हो सकता है और परमानेंट डिलीट हो सकता है बिना किसी वार्निंग के। और चीज जो कि काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं और उनको आइडिया नहीं है कि ये भी यूट्यूब की वॉयलेशन में आता है, वो है किसी भी चीज का लिंक देना यूट्यूब की वीडियो के अंदर, कैनवा का, प्रीमियर प्रो का, या किसी भी ऐसी टोरेंट या कोई ऐसी पायरेटेड वेबसाइट का लिंक देना, ऐसी गेम का लिंक देना जो कि इलीगल है और इलीगल तरीके से डाउनलोड हो रही है, कोई भी बदतमीज वीडियो का लिंक देना, ये सारी यूट्यूब की वॉयलेशन में आता है। इसको भी यूट्यूब स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और आपका चैनल खतरे में आ जाता है। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि अपनी जो प्लेलिस्ट्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनका थंबनेल वीडियोस वगैरह सब कुछ ठीक होती है। एक चैनल था उनका सब कुछ ठीक था, किसी जगह पे भी क्लिक बेट या कोई चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्लेलिस्ट के जो नाम थे वो बहुत गलत रखे हुए थे, जिस वजह से उनको व्यूज भी मिल रहे थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि उनका चैनल वो रिलेटेड हो गया और वो परमानेंट यूट्यूब ने उनको बैन कर दिया यूट्यूब से, उनका एडसेंस भी और उनका चैनल भी। एक और वॉयलेशन ये होती है कि आप किसी भी चीज पर जुर्म नहीं कर सकते, वो छोटी सी बिल्ली हो, बकरी हो, बच्चों, आप बच्चों को डांट के वीडियोस नहीं बना सकते, बच्चों की कोई गलत काम करते हुए जैसे कि स्टंट करते हुए, या उनको खतरे में डालकर वीडियो नहीं बना सकते, जानवरों का मजाक नहीं उड़ा सकते, बच्चों का मजाक या औरतों का या किसी भी इंसान को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, उनको दुख नहीं पहुंचा सकते, उनको रोता हुआ नहीं दिखा सकते, ये जितनी भी चीजें जो मेंटली सामने वाले को ट्रोमाटाइज कर दें, ये सारी यूट्यूब के अंदर आती है वॉयलेशन में। अब आप ये सवाल पूछोगे कि जो प्रैंक करते हैं फिर वो क्यों नहीं वो रिलेटेड होते, जब प्रैंक किया जाता है ना तो उसके लिए लोग बिहाइंड द सीन वीडियोस भी डालते हैं और वो प्रॉपर दिखाते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये एक प्रैंक था, सामने वाले को पता था ये सिर्फ एक्टिंग हो रही है, ये एक्चुअल प्रैंक नहीं हो रहा है। तो यूट्यूब को आइडिया लग जाता है कि ये एक्टिंग के लिए इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि मूवीज में या फिर शॉर्ट फिल्म में होता है, ना कि ये सब ओरिजिनल हो रहा है। इसके अलावा एक और वॉयलेशन है, वो है हेट स्पीच। आप किसी को हेट स्पीच या धमकी या किसी की रोस्टिंग नहीं कर सकते हो और किसी को गंदी गालियां भी नहीं निकाल सकते हो, इससे भी आपका चैनल डिलीट होने पे आ जाता है। अब ये जो इतने सारे चैनल आपको नजर आते हैं इनमें से आप समझ लो कि 80% जो चैनल है वो यूट्यूब जो है वो रिलेटेड कर देता है, 20% इसमें से बच जाते हैं जो कि आपको नजर आ रहे होते हैं। अब जब आपने इतनी ज्यादा वॉयलेशन सुन ली है तो आपका सर चकरा रहा होगा, तो एक अच्छी खबर मैं आपको ये भी दे देती हूँ, शॉर्ट के हवाले से जो कॉपीराइट होता है ना वो यूट्यूब अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक्स जो होती है उन्हीं की बेस पे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाई गई हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, अगर आपकी वीडियो अपनी है और आपने पीछे कोई गाना लगा दिया है तो उस पर कॉपीराइट आ भी जाता है, तो उस पर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, उसके खिलाफ यूट्यूब इतना ज्यादा एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये नहीं कि आप किसी और की शॉर्ट ही उठा कर लगाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। बस ये कि जो गाने आप अभी लगा रहे हो मे बी इन फ्यूचर इनसे कॉपीराइट हट जाए और कॉपीराइट की जगह पर 3 हिस्सों में आपका रेवेन्यू बढ़ जाए शॉर्ट्स के ऊपर, एक हिस्सा आपके पास आएगा, एक हिस्सा यूट्यूब के पास जाएगा और एक हिस्सा जो है वो कॉपीराइट ओनर के पास यानी जिसका वो गाना होगा उसके पास चला जाएगा, और इस तरह ना आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ना स्ट्राइक आएगी
टीवी शोज के ऊपर या लॉन्ग वीडियो के ऊपर, लेकिन अभी ये जो पॉलिसी है ये पूरी तरह नहीं आई है। विद इन फ्यू मंथ या शायद अगले साल तक ये कम्प्लीटली सब कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगी और फिर गानों के ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आया करेगा। लेकिन अगेन गानों के ऊपर नहीं आएगा, किसी की वीडियो उठा के नहीं डाल सकते और किसी की आवाज उठा के आप उसको अपनी वीडियो के अंदर एज इट इज नहीं डाल सकते हो। वॉयलेशन के हवाले से आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी दो तीन वीडियोस डाल दो और दो तीन वीडियोस को चलाते जाओ, या कोई और बंदा मुसलसल आपकी दो वीडियो तीन वीडियो एक ही टाइम पर देख रहा है, या अभी आपका चैनल मोनेटाइज्ड हुआ है और घर के सारे लोग बैठ के आपकी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं, उनके ऊपर एड्स चल रही है और रेवेन्यू बन रहा है, ऐसा करोगे तो इनवैलिड क्लिक आ जाएगा और फिर चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, वो एडसेंस भी डिलीट हो जाएगा, वो कंटेंट भी फारिग हो जाएगा, वो वीडियोस उठा के आप अपने नए चैनल पर नहीं डाल सकते और वो जो आपने सारी मेहनत की होगी वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो तो यूज नहीं होने वाली है किसी भी तरह किसी और चैनल के ऊपर। तो बजाय इसके कि बाद में सर पकड़ के बैठो, अभी ये वीडियो जो है वो उसको देख लो, अच्छे तरीके से याद कर लो और ये गलतियां कभी मत करना। और अगर ये वीडियो आपको भूल जाए तो आप इसको हर दो तीन महीने में एक बार सुन सकते हो, क्योंकि इसमें ए टू जेड यूट्यूब की सारी पॉलिसीज मैंने रख दी हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी वॉयलेशन नहीं है कि जो आपके यूट्यूब चैनल को हार्म कर सकती है, तो ये एक वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए जो है वॉयलेशन से बचत का सामान बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह।